हेलो एवरीवन, द कपूर्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी चीज़ी रेसिपी जो घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगी और बहुत क्विकली बन भी जाएगी। इसे बनाने के लिए हम लेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट चीज़, साथ में हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, मैदा, कॉर्नफ्लावर यानी अरारोट, ओरिगेनो सीजनिंग, कश्मीरी लाल मिर्च और ड्राई कोटिंग के लिए अरारोट। तो ये देखिए, हमने इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये चीज़ का ब्लॉक लिया है और हम इसमें से स्लाइसेस कट कर लेंगे और फिर इन्हीं स्लाइसेस से हम चीज़ ड्रॉप्स की शेप कट करेंगे। तो जैसे आइसक्रीम की ब्रिक से हम स्लाइसेस कट करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इस चीज़ ब्लॉक से भी स्लाइसेस को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से इस पूरे चीज़ ब्लॉक से हम स्लाइसेस को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे चीज़ ब्लॉक्स कट कर स्लाइसेस में तैयार हैं। अब हम एक एक स्लाइस को प्लेट पर रखेंगे और इनसे ड्रॉप्स की शेप को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने ड्रॉप की शेप का कटर लिया है, आप चाहें तो किसी भी शेप का कटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इस शेप कटर को हम चीज़ स्लाइस पर रख कर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बहुत आसानी से चीज़ ड्रॉप की शेप को कट कर लेंगे। चीज़ को अच्छे से शेप्स में कट करने के लिए आप फ्रिज से इसे एक दो मिनट निकाल कर बाहर रख लें, तब आप आसानी से इससे शेप्स में कट कर पाएंगे। अब हम चीज़ ड्रॉप्स की कोटिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा कप कॉर्नफ्लावर यानी कि अरारोट, साथ में उतनी ही क्वांटिटी में हमने लिया है मैदा। इन दोनों ही चीज़ों को मिक्स करके हम इसका एक बैटर रेडी करेंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर और एक चम्मच ओरिगेनो स्पाइसेस। यहाँ पर आप नॉर्मल वाला ओरिगेनो ना लेकर ओरिगेनो स्पाइसेस या पिज़्ज़ा स्पाइसेस ही ऐड करें। अब इन सब चीज़ों को हम ड्राई ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ में क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो आप चाहें तो ऑप्शनली हल्का सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप बिना सॉल्ट ऐड करे भी बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा थिक रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। ज़्यादा मोटा बैटर होगा तो वो मुंह में अलग से आएगा और ज़्यादा पतला बैटर होगा तो हमारी चीज़ फट कर उसमें से बाहर निकल जाएगी। तो ये देखिए, हम लगभग ऐसी कंसिस्टेंसी का बैटर यहाँ पर रखेंगे। नॉर्मली हम बेसन के पकोड़े बनाते समय जितना कंसिस्टेंसी रखते हैं, हम उससे थोड़ा पतला ही बैटर यहाँ पर रखेंगे। अब हम वो जो चीज़ ड्रॉप्स हमने कट करके रखे थे उन्हें लेंगे। साथ में हमने यहाँ पर ड्राई कोटिंग के लिए अरारोट लिया है और इन कटे हुए चीज़ ड्रॉप्स को हमने अच्छे से ड्राई अरारोट में एक बार कोट कर लिया है। ऐसा करने से हमने जो अभी अरारोट का बैटर रेडी किया था वो इन ड्रॉप्स पर अच्छे से कोट हो पाएगा और ऐसा करने से कोटिंग भी बहुत ही आसानी से इन ड्रॉप्स पर हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने इसी तरह से सभी चीज़ ड्रॉप्स को एक बार अरारोट में ड्राई कोट कर लिया है। अब इन ड्राई कोट करे हुए ड्रॉप्स को हम रेडी करे हुए बैटर में डिप करेंगे और इन्हें अच्छे से ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे। अगर आपके पास रेडीमेड ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप घर पे कोई भी ब्रेड लेकर उन्हें मिक्सी में पीस लें और उन्हें कढ़ाई में दो मिनट चला लें, आपके ब्रेड क्रम्स घर पे ही बहुत आसानी से रेडी हो जाएंगे। ड्रॉप्स अच्छे से ब्रेड क्रम्स में रोल करके हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए तेल ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा। ज़्यादा गर्म तेल होगा तो चीज़ अंदर से पकेगी नहीं, और ठंडे तेल में अगर हम ड्रॉप्स को तलेंगे तो ड्रॉप्स बहुत ही ऑयली बनेंगे। इन्हें तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग एक से दो मिनट में ही ये तलकर रेडी हो जाएंगे। तो लीजिए, बिल्कुल क्विकली रेडी हैं हमारे चीज़ ड्रॉप्स।
आप इन्हें जिस भी शेप में कट कर रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप इनको चीज़ स्टार्स, चीज़ कॉइंस, चीज़ सर्कल्स का भी नाम दे सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं गर्मियों की एक नेक्स्ट क्विक रेसिपी के साथ। जब तक हमारे बाकी वीडियोस को देखते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए।